सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभी मन यू आई एस माई योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आई होप यू आर फाइन एंड फॉर यगजामिनेशन ऑल्सो सो आज इस सेशन में विल कवर अनदर कॉम्प्रीहेंशन क्योंकि आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश आपको देखने को मिलेंगे वो कॉम्प्रीहेंशन से ही आएंगे राइट right? अभी तक का जो ट्रेंड रहा है दैट हैज बीन कि आपको दो या तीन है ना अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं uh, है ना या फिर एटलीस्ट uh, इस बार आपको दो से तीन कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल सकते हैं ठीक है लेवल अच्छा खासा होता है उनका बिकॉज ऑब्वियसली इफ दैट इज़ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन तो यू कैन प्रेडिक्ट दैट लेवल विल बी लाइक दैट ओके तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपका जो आज का हमारा कॉम्प्रीहशन uh, होगा थोड़ा प्रीवियस कॉम्प्रीहशन से डिफरेंट होगा एंड आई होप आप इसको साथ में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे राइट right? सो so, आपको करना क्या है वीडियो पोज करनी है पहले वो आपको कॉम्प्रिहेंशन खुद रीड करना है ठीक है ऊपर जो लिखी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको अच्छे से फॉलो करना है ओनली देन आपको उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करना है लाइक like, एक फ्लो में आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है ठीक है बाकी जो भी मैंने आपको टिप्स uh, एंड uh, जो आपको हैक्स मैंने दिए हैं बिफोर लाइक बिफोर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए बट वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सेम पीडीएफ ठीक है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो ओके बट द राइट अप्रोच कि पहले आप क्वेश्चन को देखिए बिकॉज अगर आपका पेपर रहेगा ऑफलाइन मोड में रहेगा है ना तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कि आप पहले क्वेश्चन देख लो वहां से की नोट करिए देन स्टार्ट रीडिंग योर कॉम्प्रीहशन केयरफुली ओके चलिए विद दिस इंफॉर्मेशन लेट स्टार्ट सेशन सेशन बट बिफोर स्टार्टिंग द आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इस्टर टूडेज से बैच विच राइट ठीक है जो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में रहेगा फर्दर इंफॉर्मेशन आई विल इन द एंड ऑफ द वीडियो राइट ओके सो दिस इज आर टूडेज कॉम्प्रीशन टूडेज टॉपिक ठीक है एक करंट हमारा टॉपिक है दैट इज रोबोट्स के बारे में है robots, ठीक है समझिए क्या है ये okay. ओके अब देखिए पहले डायरेक्शंस को देखिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है ये पैसेज जो है अ पैसेज हैज बीन गिवन इन जस्ट मोमेंट गिवन इन विच ए हमारा ए पार्ट ये रहे ये रहा हैज अ हाइलाइटेड वर्ड ठीक है बी हैज टू फिलर्स एंड सी हैज फोर अंडरलाइनड वर्ड्स हुज पोजीशन मे नोट बी करेक्ट उसने डेफिनेटली नहीं बोला है उसने बोला है मे नॉट बी करेक्ट रीड द पेसिज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगलीट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन करना क्या है उसमें टॉल एंड वेइंग थ्री हंड्रेड पाउंडक्वेल एंड टू वन थर्टी सिक्स किलोग्राम रोबर्ट समझ दो ना थोड़ा ह्यूमन की तरह दिखने वाला राइट दैट इज वेलकिरी इज एन इम्पोजिंग फिगर इंपोजिंग का मतलब क्या होगा यहां पे थोड़ा सा यू कैन से इंटरेस्टिंग या फिर एकदम अट्रैक्टिंग टाइप है ना अट्रैक्टिव है ना इंपोजिंग फिगर वेल आर फाइव नेम्ड आफ्टर अ फीमेल फिगर इन नॉर्स मिथोलॉजी एंड बींग टेस्टेड एट द जॉनसन स्पेस सेंटर इन हाउस्टन ओके सो टेक्स जो कि कहां पर है टेक्स में एंड इज डिजाइंड टू ऑपरेट इन डीग्रेडेड और डेमेज ह्यूमन इंजीनियर्ड एनवायरमेंट ओके लाइक कैसा एनवायरमेंट एरियाज हिट बाय नेचुरल डिजास्टर्स अकॉर्डिंग टू नासा ओके फर्दर मोर इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वेलकेरी इज डिफरेंट फ्रॉम दस्ट टू रोबोनोट्स आर वन एंड आर टू विच आर यूज टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क ऑन द आई एस एस ठीक है जो कि जो पहले वाले हमारे दो रोबोट थे इनसे पहले आर वन आर टू वो थोड़े से रेपिटेटिव टास्क करते थे राइट ऑन द आई एस एस वाई वेल केरी विद इट्स थ्री फिंगर्स एंड थम्ब इज बींग डेवलप्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डैश सच एज माइनिंग रिसोर्सेस बिल्डिंग हैबिटेट्स ऑटोनोमसली ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स ठीक है एंड कंप्लीटिंग डिजास्टर रिलीफ डैश एंड वर्किंग अलोंग साइड एस्ट्रोनोट ठीक है तो यह थोड़े से उसकी क्वालिटीज बता दी कि वट दिस पर्टिकुलर ह्यूमन रोबोट कैन डू ओके सो माइनिंग वगैरह कर सकती है राइट right? और एक चीज बताना चाहूंगा ऑटोनोमसली मतलब पता ना सेल्फ डिपेंडेंट राइट क्स्ट okay. देखिये फिर बोलता है हमारा जैसे हेड मतलब हेड से लेके नेक हेड नेक आर्म्स इन चीजों को छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं टोरसो राइट रोबोट रिजेंबल्स अ पर्सन टिपिकली विदोरसो ठीक है? है? हैड टू आर्म्स एंड टू लेग्स ठीक है इंजीनियर्स हाँ अपनी लेग्स काउंट करेंगे मतलब सिमिलरली टू ह्यूम एंड यूज द सेम टूल्स एंड इक्विपमेंट अब याद रखिएगा ये जो हमारा वर्ड है ना इक्विपमेंट ये कभी भी फॉर्म में भी ऐसे ही रहता है इसको आप अगर ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए कहा लिखा ठीक है? Uh, uh, है ये ऑफ सेम टूल्स यहाँ पे प्लुरल यूज करें आप सोचोगे यहाँ पे सिंगुलर क्यों बिकॉज इक्विपमेंट का जो प्लुरल वर्जन है दैट इज ऑल्सो इक्विपमेंट ओके डेक्सट्रस रोबोटिक्स डेक्सट्रस मतलब एकदम स्किलफुल डेक्सट्रस भी लिख देता हूं स्किलफुल ठीक है स्किलफुल टीम या स्किलफुल है ना रोबोटिक्स टीम लीडर दैट इज शोन एजी सेड ह्यूमनोइड रोबोट्स इन स्पेस कुड पोटेंशियली हैंडल रिस्की टास्क Like clean, uh, cleaning solar panels or inspecting malfunctioning equipment outside the spacecraft. So, astronauts can prioritize exploration and discover, right? He also emphasized that they are not trying to replace human crews, they are really just trying to take the dull, dirty, and dangerous work off their plates to allow them to focus on those higher level activities. NASA is uh, partnering. ठीक है uh, किसी और के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है सो नासा इज पार्टनरिंग विद रोबोटिक्स कंपनीज लाइक ऑस्टिन टेक्सस बेस्ड एप्ट्रोनिक टू लर्न हाउ ह्यूमेनोइड रोबोट्स डेवलप्ड फॉर टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल समझते हो ना अर्थ है ना अर्थ के पर्पज से फॉर टेरेस्ट्रियल पर्पज कुड बेनिफिट फ्यूचर ह्यूमेड रोबोट रोबोट्स डेस्टिंड फॉर स्पेस एप्ट्रोनिक इज डेवलपिंग अपोलो humanoid रोबोट whose अब यहां पे आपको मैंने बताया सी पार्ट में क्या है ये जो वर्ड्स हैं हो सकता है ये कैसे हो, ये ना हो आपको इनको समझना है है ठीक अब इसको डैश मान के चलो क्योंकि यू डोंट नो की वेदर इट इज करेक्ट और नॉट ठीक है प्लांट्स बाय मूविंग डैश स्टैकिंग नहीं पता एक्चुअल में यह करेक्ट फॉर्मेशन में है या फिर सीक्वेंस इनका थोड़ा सा आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा ओके okay? तो ये हमारा आगे देखिए तो दिस एंड एंड का मतलब टू मेक एन एफर्ट है ना तो दिस एंड This endeavor on NASA's part is significant as it includes ident uh, identifying key gaps where future investment is needed to bring a terrestrial system into the space environment and to be certified for operating in space.? Okay? the development of those robots is part of NASA, NASA's broader strategy to improve our ability to travel through space. solar system. सिस्टम ultimate ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज आर कैपेसिटी टू स्कैन एंड कॉम्प्रीहेंड Comprehend, comprehend मतलब उस चीज को अंडरस्टैंड करना ठीक है द यूनिवर्स एज वेल एज टू एड्रेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अर्थ एंड स्पेस साइंसिस या फिर साइंस ठीक है सो ये हमारा टॉपिक था नाउ समझते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द दैसेस कौन सा जो हम इसमें से कंक्लूड कर सकते हैं राइट समझिए नाउ यू हैव टू रीड ऑल द द्वेश्चन जो भी ऑप्शन हैं ठीक है ये चारों चारों पार्ट तीनों तीनों क्योंकि आंसर्स देखिए ओनली टू बोथ वन एंड टू बोथ टू एंड थ्री या फिर ओनली थ्री या फिर ऑल ऑफ दीज तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा ठीक है बोलता है वेल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रेसिडेंट्स विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल स्ट्रक्चरिंग

दिस कैन बी है ना ये इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो अब बचा फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या आंसर होगा क्या फर्स्ट एंड सेकंड होगा क्या ओनली टू एंड थ्री थ्री तो हमने एलिमिनेट कर दिया तो ओनली थ्री भी गया ठीक है कैन बी इनफर्ड फ्रॉम दी पैसेज हमने पैसेज से क्या देखा हमने उन्होंने ये तो नहीं बोला कि देखो इसमें आ, ये देखो आर वन ठीक है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वेलकर इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू रोबोनोट्स

क्योंकि वो रेपिटेटिव टास्क करते थे ना अब रेपिटेटिव टास्क मतलब कि वो कुछ लिमिटेड टास्क ही कर सकते थे बट के पास थ्री फिंगर्स एंड थंब के उस कारण उसके पास में ज्यादा एबिलिटी थी काम करने की ठीक है तो क्रक्स ये निकलता है ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि फिजिकल फीचर की या स्ट्रक्चर की बात कहीं पे इतनी क्लियर कट नहीं बोली गई हमें राइट ऑप्शन टू इज द राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ओके okay? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इंपोजिंग इन सिमिलर वे एज यूज इन द पैसेज कौन से सेंटेंस में इंपोजिंग का मतलब सही यूज करा गया है जो कि हमारे मैंने आपको हाईलाइट करा था ना वहां पे वर्ड इंपोजिंग, राइट बता देता हूं फिर भी एक बार ये देखिए इंपोजिंग ठीक है और इसका मैंने आपको मीनिंग भी बताया था तो इसका कौन सा जो हमारा आंसर होगा जो सेम वे में इसका वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पे पहला देखिए बोलता है नोत्रे डैम रिमेन्स एन इम्पोजिंग कैथेड्रल ऑफ फ्रांस ओफन विजिटेड बाय टूरिस्ट सेकंड, आई हेट इम्पोजिंग माय बिलीव ऑन यू बिकॉज आई बिलीव इन द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन लायर्स बिगिन बाय इंपोजिंग अपॉन अदर्स बट एंड है? अब समझिए मैंने इंपोजिंग मतलब आपको क्या बताया उसमें इंपोजिंग तो बता मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप है ना अट्रैक्टिव मैंने आपको बताया फिर इंटरेस्टिंग इसका मतलब होता है किसी के ऊपर कुछ थोपना है ना फोर्स योर बिलीफ ऑन ठीक है किसी के ऊपर उन चीजों को थोपना राइट right? तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि इंपोजिंग और इंपोज में क्या डिफरेंस है ओके सो ऑप्शन वन देखिए बोलते हैं नोटर डैम रिमेन्स एन इंपोजिंग कैथेड्रल एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव कैथेड्रल है फ्रांस का जहां पे ओपनली टूरिस्ट विजिट करते हैं ओके सो दैट इज वाई ऑप्शन वन इज द राइट आंसर अब ऑप्शन वन है कहां पे ओनली सी ओके ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे ना आपको क्योंकि टू आपका वैसी आई हेट इंपोजिंग तो ये imposing बोल रहा है थोपने वाला सेंस में है ना तो थोपने वाली सेंस में इस वर्ड का यूज कर रहा है जो कि आपको यहां पे नहीं करना है ठीक है ओके सो ऑप्शन सी इज़ नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद फोर मार्क्ड एज वन टू थ्री फोर करेक्ट प्लेसिज फोर ऑप्शन ऑप्शन विद्रेक्ट अरेजमेंट एज द आंसर इफ नो अरेजमेंट इज रिक्वायर्ड प्लीज मार्क नो अरेजमेंट रिक्वायर्ड एज योर आंसर ठीक है सो so, ऐसे ही आपको एग्जाम में लेंदी लेंदी स्टेटमेंट uh, मिलेंगी जो जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन लिखी रहेगी

अब आपको इन ही फोर ऑप्शंस पैकेज वेयर हाउस एंड अर्थली इनको अरेंज करना है क्या लगता है आपको या तो दो ही चांस होंगे या तो ये करेक्ट ऑर्डर में होंगे या नहीं होंगे है ना तो so, कैसे आइडेंटिफाई करोगे देखो ह्यूमनिट रोबोट की बात कर रहा है हूस टास्क कौन सा टास्क विल इंक्लूड वर्किंग इन बताइए तो अब यहां पे देखो ऑप्शंस में देखिए जरा फोर थ्री टू वन फोर वन टू या फिर नो no okay? एक ऑप्शन हमारे पास वेयर हाउस या फिर पैलेट्स अब समझिए टास्क तो फोर आएगा पहले ठीक है क्योंकि अभी उनपे जो बात कर रहे थे हम टेरेस्ट्रियल है ना टेरेस्ट्रियल कि अर्थ पे वो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं ना रोबोट्स तो अर्थली टास्क विल इंक्लूड वर्किंग इन पहले पैकेज आएगी या पहले वेयर हाउस आएगा पैकेज वर्किंग इन वेयर फोर तो के बाद आएगा थ्री वेयर हाउसेज ठीक है वर्किंग इन वेयर हाउसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्योंकि वेयर हाउसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में उनको काम रहेगा बाय मूविंग क्या मूव करेंगे पैकेजेस तो फोर थ्री टू और लास्ट में आ जाएगा वन ये पैलेट्स क्या होते हैं पैलेट्स एक स्टेट आपका टेबल जैसा होता है जिसके ऊपर आप सामान रख के उसको मूव कर सकते हो राइट दैट इज कॉल्ड पैलेट है ना तो लास्ट में आएगा आपका थर्ड uh, में आ जाएगा आपका आ, uh, ये पैकेज स्टैकिंग पैलेट्स एंड अदर सप्लाई चेन ओरिएंटेड टास्क ठीक है ना सो फोर थ्री टू वन इज गोइंग टू बी द राइट अरेंजमेंट ऑप्शन ए आपका राइट right आंसर हो जाएगा आई होप कि कैसे इनको अरेंज करना है क्या किस टाइप का क्वेश्चन है आपको सब समझ आ रहा होगा ओके okay? बात समझ आई ठीक है फिर नेक्स्ट चलिए सो थर्ड का आपका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर नाउ रीड क्वेश्चन नंबर फोर वेरी केयरफुली अंगेन एक लेंथी स्टेटमेंट है डैश दे आर रियली जस्ट ट्राइंग टू टेक द डल डी एंड डेंजरस वर्क ऑफ दियर प्लेट्स ठीक है ऑफ दियर प्लेट्स द्लेट इज यूज इन देंशन स्टेटमेंट ठीक है प्लेट है ना आपको सिंपली बताना है कि इस ईडियम का मीनिंग क्या है अब अगर एग्जामिनर चाहता तो वो आपको सीधा स्टेटमेंट लिख देता कि टेक समथिंग ऑफ द प्लेट है ना और आपसे बोलता कि इसका बताइए कि इस ईडीएम का मीनिंग क्या होगा उसने ऐसा ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लिया थोड़ा सा उसको लेंथी कर दिया सो so दैट आपका टाइम भी कंज्यूम हो और थोड़ा सा आप बच्चा देख के भी डर जाता है कि बार की पता नहीं क्या आ गया इतना लेंथी क्वेश्चन है ना दैट्स वाई आई टोल्ड यू एंड आई एम स्टिल टेलिंग यू प्लीज रीड दिस इंस्ट्रक्शन जो भी आपको गिवन है उनको काफी केयरफुली पढ़िए क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं खास बट आपको बस फंसाने के लिए वो लेंथी स्टेटमेंट्स देगा राइट ओके okay. क्या इसका मीनिंग होगा टेक समथिंग ऑफ द प्लेट टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर हैविंग द हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच या फिर रिड्यूस द लोड ऑफ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर टू बी एब्सोल्यूटली वीक एंड फ्रेजाइल फ्रेजाइल का मतलब अगेन वीक ओके बीइंग वेरी रिस्की एंड थ्रेटनिंग काफी इजी है टेक समथिंग ऑफ द प्लेट उस वहां से उस टास्क को रिड्यूस करना है उसके एफर्ट्स जो उनको कम करना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिड्यूस द लोड ऑफ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंसर सी इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए जरा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बर्ड्स Can fit in the blanks to make the sentence grammatically correct, grammatically and const uh, contextually sound. correct. Anna? Furthermore, it is interesting to note that Valkyrie is different from the first two robot notes R1 and R2, which are used to perform repetitive. Asks on the ISS while Valkyrie with its three fingers and thumb is being developed for complex dash such as mining resources, building habitats autonomously on the surface of Mars, completing disaster relief dash and working alongside astronauts. So, this is your uh, job. Ke blanks hai. now, you have to fill these blanks with the suitable options, okay. ऑप्शन ए देखिए कॉन्सिक्वेंस या फिर पॉपुलिस्ट सेकेंड ऑप्शन देखिए परपेटुएटिंग या फिर ऑपरेशन परपेटुएटिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली कॉन्टिन्यूअसली ठीक है ओके okay. टास्क या फिर ऑपरेशंस यहां पे ऑपरेशन ही है ऑपरेशन ऑपरेशन होता है किसी को दबाना ऑपरेशन ठीक है किसी को दबाना मतलब ऑपरेस करना ना ठीक है टास्क या फिर ऑपरेशन या फिर वेंचर या फिर मैन्युवर्स ठीक है वेंचर मैन्युवर्स या फिर एंडेवर या फिर गिमिक बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है बताइए फर्दर मोर इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट अब ये यहां पर देखिए इज बींग डेवलप्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्या अरे वेंचर्स ठीक है कुछ नई चीज स्टार्ट करना ठीक है सर्फेस ऑफ मार्स कंप्लीटिंग डिजास्टर रिलीफ डिजास्टर रिलीफ मैन्यूवर एंड वर्किंग अलॉन्ग साइड ठीक है यहां पर आया आपका ये मैन्यूवर वाला ऑप्शन ठीक है मैन्यवर्स का मतलब होता है एकदम चीज को अच्छे से ना कर लेना ठीक है वेंचर्स एंड इज़ द राइट ये आपका ऑप्शन होगा कॉम्प्लेक्स टास्क सच माइनिंग है ना या फिर रिलीफ uh, ऑपरेशन ये भी इसका आंसर हो सकता है बट आपको उसने बोला कॉन्टेक्चुअली और आपको सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर देखना है यहाँ पे ठीक है ना मोस्ट सुटेबल आंसर आपको यहां पे फाइंड करना है ओके okay? सो so, किसी को लगेगा यहां पे डाउट आएगा कि टास्क भी तो सर हो सकता है ऑपरेशंस भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज माइनिंग रिसोर्सेज बिल्डिंग हैबिटेट्स ऑटोनोमसली ऑन द सरफेस ऑफ मार्स कंप्लीटिंग डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस एंड वर्किंग अलोंगसाइड एस्ट्रोनॉट्स बट अगर uh, और uh, इसका सूटेबल आंसर देखूं सो so वेंचर्स मतलब कुछ भी नया काम स्टार्ट करना है तो काइंड ऑफ टास्क ही हो गया वो भी और मैन्यूवल मतलब उन चीजों को बड़े एफर्टलेसली डील करना राइट ओके देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके uh, ठीक okay. है तो विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है और थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि जो हमारा ये अभ्यास टू बैच है इसमें कि, आपको 75 की आपको सेवेंटी राइट अलोंग विद अब मिलेगा क्या क्या इट इंक्लूड्स ऑफलाइन क्लासेस भी रहेंगी ऑनलाइन भी रहेंगी सी सेट क्लासेज रहेंगी पीडीएफ और नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट की दो चीजें टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप ये दो चीजें इट दिस प्लेज वेरी

यू कैन गो फॉर इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर जय हिंद जय भारत और uh, पढ़ते रहिए अच्छे से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखिए मीन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स ओके तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत